सुंदरलाल पटवा के भतीजे और भोजपुर से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा को बेशक चुनाव आयोग से राहत मिल गई है, लेकिन एंटी इनकंबेंसी और पार्टी के युद्धीय असंतोष उनके लिए आफत बनता जा रहा है। साथ ही उनके विरोधी लोग उनके खिलाफ दर्ज 100 से ज्यादा कानूनी मामलों में प्रचार में इस्तेमाल किए जा सकने वाले उपखंगाल रहे हैं। इसी के चलते कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल, भाजपा के बागी निर्दलीय गणेश मालवीय और संयम जैन ने पटवा पर चुनाव आयोग के प्रोफॉर्मा में छेड़छाड़ एवं आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाने सहित गंभीर आरोप लगाते हुए आपत्ति दर्ज कराई है, जिसके बाद उनका नामांकन होल्ड कर दिया गया। भोजपुर सीट से 19 प्रत्याशियों ने 22 नामांकन दाखिल किए थे, इसमें से 14 स्वीकृत किए गए थे और 4 नामांकन रिजेक्ट किए गए थे। पटवा के नामांकन फॉर्म को लेकर दाखिल की गई आपत्ति को रिटर्निंग अधिकारी ने निरस्त कर दिया है। सुरेंद्र पटवा साल 2008 से लगातार यहां से विधायक बनते आ रहे हैं। भाजपा ने 5वीं बार उन्हें यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार उनके काका साओ के नाम की छवि मिलने के आसार नहीं है, बल्कि उन्हें कानूनी पेंचो और एंटी इक्वेसी की धूप में तपना होगा। बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज के साथ। धन्यवाद।